इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध के बाद इसराइल की ओर से गाजा पट्टी पर बम लगातार बरसाए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में गाजा को दो हिस्से में बांटकर इजरायली सैनिक जमीनी हमला कर रहे हैं। हमास की कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। इस बीच खबर है कि इसराइल को फिलिस्तीनी वर्कर्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई है। इसराइल अब अपने दोस्त भारत से मदद मांग रहा है ताकि उसे अपने देश में रुके हुए कंस्ट्रक्शन के काम को फिर से शुरू करने का मौका मिले। इसराइल ने भारत से तत्काल 1,00,000 श्रमिकों की मांग की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से 1,00,000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है ताकि 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिप्लेस किया जा सके। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हुए हमले के बाद से फिलिस्तीनियों का काम करने का परमिट रद्द कर दिया गया है। इसराइल में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों में पारंपरिक तौर पर फिलिस्तीनी श्रमिक ही काम करते रहे हैं, लेकिन हमास हमले के बाद उन श्रमिकों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इन लोगों को काम से हटा दिया गया। इस कारण अब इसराइल में कंस्ट्रक्शन के सभी काम पूरी तरीके से ठप है। जिन बिल्डिंगों का कुछ दिनों पहले तक लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो अब साइट पूरी तरीके से खाली है। जिन लोगों ने मकान खरीदे, वो लोग बिल्डर्स पर काम को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। अजीब बात यह है कि जहां एक देश पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, वही इसराइल में कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। खैर, इसराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के मुताबिक 90,000 फिलिस्तीनी मजदूरों में 10% गाजा और बाकी वेस्ट बैंक से है। अब युद्ध के 1 महीने हो चुके हैं, ऐसे में इसराइल में कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को काम की जरूरत तो है। इसराइल बिल्डर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने कहा है कि हम 50,000 से 1,00,000 भारतीय मजदूरों को लाने के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद कई फिलिस्तीनी जो अभी तक इसराइल में काम कर रहे थे, उनके सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग अब होटल में चाय पीते हैं, घर जाकर खाना खाते हैं और फिर होटल में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। उनके पास अब काम नहीं है। फिलहाल अभी इसराइल में जो कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही हैं, उसमें ज्यादातर चाइनीज वर्कर्स हैं। इसराइल ने पहले ही भारत से श्रमिकों को बुलाने के लिए डील की थी। मई में इसराइली विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे। तब दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक इसराइल में 42,000 भारतीय श्रमिक जाएंगे, जिनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करेंगे। इसराइल का कंस्ट्रक्शन बाजार भारतीयों के लिए नया होगा। इसराइल पहले से ही फिलिस्तीनी कर्मियों के बदले विदेशी श्रमिकों को लाना चाहता था और अब उसे इस युद्ध ने एक मौका दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए